नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया अमृत बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं बताई हैं, उनसे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया यह बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। यह बजट केवल बजट नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत के अमृतकाल का विजन पत्र भी है। यह देशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह अहम योगदान देगा। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प इस बजट के हर पहलू में नजर आता है। यह बजट समावेशी एवं भविष्यवादी है, इसमें नौकरी पेशा, युवा, महिलाएं और किसान सभी के सशक्तिकरण को ध्यान में रखा गया है। बजट में ढांचागत अवस्थापना, विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हरियाणा के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मोटे अनाज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट की घोषणा, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसे कई ऐसे निर्णय हैं जो हमारे कृषि व्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत को तकनीक से जोड़ने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। डिजी लॉकर को बढ़ावा देना, ई न्यायालय जैसी व्यवस्थाएं हैं, देश को तकनीक के युग में और भी आगे लेकर जाएंगी। स्वदेशी मोबाइल के रस सस्ता करने और कोरोना में प्रभावित हुए मध्यम, छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद जैसे निर्णयों से एमएसएमई सेक्टर मजबूत होंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बजट में किसान से लेकर मजदूर, बुजुर्गों से लेकर युवाओं, वेतन भोगियों से लेकर अपना व्यापार करने वालों तक सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बजट अंत्योदय का लक्ष्य हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा भी इस बजट से प्रेरणा लेकर 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों को ध्यान में रखकर अपना बजट बनाएगा। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है, ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं, उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतन भोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है, बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं। मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, जिसके हित में जन कल्याण के लिए पिछले 8 वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना हमारी सरकार का दायित्व है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में जो समस्याएं आ रही हैं, उनको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ करना है। हम पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ जन कल्याण से जुड़ी सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने की मुहिम में और अधिक तीव्रता लाएंगे। अंत्योदय के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए हैं। उन्होंने समाज के लोगों से भी आह्वान करते हुए कहा है कि समाज में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता मेरा परिवार है। पूर्व नेताओं के समय से चली आ रही भाई भतीजावाद परिवारवाद की परंपरा को खत्म करके देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमने पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य करवाए हैं। गौरतलब है कि सीएम मनोहर लाल के कुशल दिशा निर्देशों का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार भी सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते नजर आते हैं। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। लाख परिवार राधर, अब तो 72 लाख हो गए हैं। 72 लाख परिवारों के एक आईडी बनी है, परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है, तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है जिसके अंदर 5 लाख रुपये का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है, वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपए तक का लाभ ले सकें। निरोगी हरियाणा है जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। और इसी प्रकार से स्कूलों की बच्चों की भी कुछ योजनाएं हैं, बच्चों के जो गरीब परिवार हैं उनको उनको जो दिए जाते हैं स्टाइफंड और स्कॉलरशिप्स, उसमें भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बहुत सी शिकायतें भी आई हैं। सामान्यतया लोग अपनी इनकम को पूरा बताते भी नहीं हैं, और जब नहीं बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद अब हमने 12 लाख नए परिवारों को तो राशन कार्ड दिया है, क्योंकि राशन कार्ड की लिमिट 1.20 से 1.80 कर दी है, तो 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। वहीं लगभग 9 लाख कटे भी हैं, तो जो 9 लाख कटे हैं उसमें 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिले जो गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे होंगे तभी वो पेंशन आज ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक वो भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से असेसमेंट कई प्रकार से इनकम की गई है। हाँ, कुछ लोगों की असेसमेंट हो सकता है गलत हो गई हो, उनको शिकायत करने का मौका दिया है। शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। 15 दिन में अगर समाधान हाँ ना में नहीं होता तो उनकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रोकी गई हैं, राशन अथवा कोई भी चीज़, वो तुरंत उसको चालू हो जाएगी। और जनवरी के अंदर अंदर 31 जनवरी तक ये सबका समाधान, ये करना हमारा लक्ष्य है। इसमें एसडीएम ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ज़्यादा जगह पर, इसमें हमने 3 या 4 हमने टेलीफोन नंबर भी प्रचारित किए हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। पहली बार ये है, तकलीफ आई है, लेकिन 1 महीने में सबकी खत्म हो जाएगी।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।